कुछ सुनाई नहीं दे रहा? दैट इज वॉट हैपन जब आप अपने वीडियो से बैकग्राउंड नॉइस को हटा देते हो, जो कि हम आज के ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। दिस इज AKS Vision एंड चलो यार आग लगाते हैं। गाइस तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने प्रीमियर प्रो में, और जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज ड्रैग एंड ड्रॉप द वीडियो। वीडियो को ड्रॉप करने के बाद अब मैं आपको प्ले करके सुनाता हूँ कि इसकी आवाज जो वॉल्यूम है वो बेसिकली कैसी है। ब्रो एक सेकंड ना, एक सेकंड। मेरा नाम है AKS Vision और ये जो बंदा आपको सिखाने वाला है वो भी मैं ही हूँ। बट बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो जो कि इंटरेस्टेड है फिल्म मेकिंग में या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में या फिर चैनल वगैरह में, देख लेना पूरा कंटेंट, देख लेना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? तो ट्यूटोरियल को स्टार्ट कर लेना। हाँ भाई सिखा दे, सब्सक्राइब कर लेना। ओके वेल दैट वाज अ रियली स्मार्ट मूव, और इसके लिए यार सब्सक्राइब बटन तो दबा दो, सब्सक्राइब करना बनता है। बट एनीवेज, जैसा कि अब आप लोगों ने देखा इस पर्टिकुलर वीडियो की जो नॉइस क्वालिटी थी वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी। हालांकि मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो को माइक लगा के रिकॉर्ड किया था, तो कई बार ऐसा होता है कि आप माइक लगा के वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं उसके बावजूद ऑडियो की जो क्वालिटी रहती है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है। ओके तो सबसे पहले हम जाएंगे इफेक्ट्स पे। इफेक्ट्स पे जाने के बाद विल सर्च डिनॉइस। अब डिनॉइस में आपको दो मिलेंगे, डिनॉइजर एंड डिनॉइस। तो आपको डिनॉइस को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे जो इफेक्ट्स है ये अब कलर अप हो चुका है। देन यू विल हैव टू गो टू इफेक्ट्स, सेलेक्ट दिस, स्क्रॉल डाउन एंड बूम, डिनॉइस जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। यू विल हैव टू गो टू एडिट। ओके तो अब मैं इसको प्ले करता हूँ। मैं बेसिकली इसको 60-70 के बीच ही रखता हूँ। यहाँ पे आपको दो डिफॉल्ट मिलेंगे, हैवी नॉइज रिडक्शन विच इज 80% एंड लाइट नॉइज रिडक्शन। तो लाइट नॉइज रिडक्शन हम तब यूज करेंगे जब माइक कॉलर माइक हो या फिर लैपल माइक हो, एकदम यू नो माउथ के पास हो। हैवी नॉइज रिडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए आई यूज टू कीप इट टू अराउंड 65 पे। अगर मैं इसको प्ले करूँ, ब्रो एक सेकंड ना, एक सेकंड। मेरा नाम है AKS Vision और देखा पहले से बहुत ज्यादा नॉइज रिड्यूस हुई है, बैकग्राउंड नॉइज। बट ये जो छोटे छोटे माइनर चेंजेस होते हैं ना, यही आपकी वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। अब बस हमें एक इफेक्ट और ऐड करना है, दैट इज यू विल हैव टू सर्च पैरा एंड यू विल गेट पैरामेट्रिक इक्वलाइजर, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड बूम। और ये बहुत ज्यादा सिंपल है, यू विल हैव टू गो एंड यूज वोकल एनहांसर। इससे आपके जो ऑडियो क्वालिटी है, मैं इसको बेसिकली 48 कर लेता हूँ, और जो बेस रहता है मैं इसको अराउंड 340 कर देता हूँ, एंड दैट्स इट, यू आर डन। अब यहाँ पे एक लास्ट स्टेप है, दैट इज ऑडियो गेन। ऑडियो गेन पे जाने के बाद आपको जो गेन है उसको थोड़ा सा कम कर देना है, अराउंड 3-4। प्ले करता हूँ इसको। ब्रो एक सेकंड ना, एक सेकंड। मेरा नाम है AKS Vision और ये जो बंदा आपको सिखाने वाला है वो भी मैं ही हूँ। बट बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो, ये जो ऑडियो क्वालिटी है पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बेटर है। अब लास्ट स्टेप इज नथिंग बट आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेना है ताकि जो हल्की फुल्की नॉइज है वो भी आउट हो जाए। देखा 5 मिनट का काम है अपनी वीडियो से बैकग्राउंड नॉइज को हटाना। और कुछ इसी तरीके के एडिटिंग ट्यूटोरियल वीडियोस की जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में है। और इन केस तुम्हारा इंटरेस्ट व्लॉगिंग में, तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको चेकआउट कर लेना। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आउट्रो। रैप चल में ना की जोन दो बड़ा छोरा लिखी कॉस्ट पर प्लेटर टॉप लोडेड बारंदा ते दिए उनकी देखी बाइरे टैलेंट चल बोर्ड टी शॉपिंग माल रोज देखी पोस्टी टाइप बावल होय बीप।